हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। तो मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास प्लस टू चैप्टर थ्री कंप्यूटर नेटवर्क में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। इसी तरह जैसे दो या दो से ज़्यादा मोबाइलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मोबाइल नेटवर्क। हमारे पास काफ़ी नेटवर्क होते हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क। टेलीविज़न नेटवर्क कैसे है कि टेलीविज़न पर ढेर सारे चैनल चलते हैं, आप अपनी चॉइस का कोई भी चैनल दे सकते हो, तो वह भी एक क्या है? नेटवर्क। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर डैश इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इसके ऑप्शन है नेटवर्क, सिस्टम, प्रोटोकॉल और इंटरनेट। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क। मींस कि ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, कि जब काफी ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो नेटवर्क का फायदा क्या होता है कि नेटवर्क की मदद से हम रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज बेसिकली ए मल्टीपोर्ट रिपीटर। तो इसके ऑप्शंस हैं हब, स्विच, राउटर और ब्रिज। तो इसका सही आंसर है हब। हब कुछ दिखने में ऐसी नजर आती है, अभी आपको कुछ बताऊंगा कि आपको मैंने बताया कि नेटवर्क क्या है, कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देते हैं तो नेटवर्क बन जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते, उनको जोड़ने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिनकी मदद से नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो वो एक डिवाइस क्या होती है? हब। तो आपको बताया कि हब क्या है, कि हब एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है। आप पीछे देख रहे हो, इसके पीछे काफी ज्यादा आपको पोर्ट्स नजर आ रही हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर। इसमें क्या है कि जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में है, जो कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, उसको इसके साथ जोड़ के नेटवर्क में ऐड किया जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या है कि जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ेगा उसको वो सारा डाटा मिलेगा जो हब के ऊपर आएगा। मीन्स ये हब क्या कर रही है, ये डाटा को मल्टीपोर्ट रिपीटर का काम कर रही है कि जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हैं वो सभी उस डाटा को शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास हब नहीं है तो सभी को अलग अलग डाटा भेजना पड़ेगा, लेकिन हब से क्या है कि एक जगह से डाटा शेयर कर दिया तो जितने भी डिवाइसेस साथ लगी हैं वो सभी उस डाटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कंप्यूटर लैब है हमारे स्कूल की, कंप्यूटर लैब में हमने क्या किया है कि हमारा 6-6 कंप्यूटर का नेटवर्क है, 6-6 कंप्यूटर का। हमने क्या किया, प्रिंटर लगा दिया पहले सर्वर के साथ, फर्स्ट कंप्यूटर के साथ। अब जितने भी कंप्यूटर उस लाइन में लगे हैं वो सभी उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। तो नंबर टू है, ए डैश इज ए टू पोर्ट डिवाइस। ये दो पोर्ट डिवाइस कौन सी होती है? हब, स्विच, राउटर और ब्रिज। तो इसके ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ब्रिज। तो बताना चाहूंगा कि जो ब्रिज है ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है। ये कब यूज होता है, जैसे हमारे पास देखो कि लेफ्ट साइड पे आपको एक नेटवर्क यूज हो रहा है, हब के साथ एक नेटवर्क अटैच है, राइट साइड पे दूसरा नेटवर्क अटैच है। अब दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट वाला नेटवर्क और राइट वाला नेटवर्क, ये मान लो दोनों लोकल एरिया नेटवर्क है, इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। इनको जोड़ने के लिए एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो एक उसमें मीडिएटर का काम करे, एक ब्रिज का काम करे। तो वो डिवाइस क्या होती है? ब्रिज। तो हम कह सकते हैं जो ब्रिज है वो दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो नंबर फोर है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, कि वाईफाई का मतलब क्या होता है। तो इसकी ऑप्शंस है वायरलेस फील्ड, वायरलेस फिडेलिटी, वायर फायर और वायर फिडेलिटी। तो इसका सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। और वाईफाई को हम वायरलेस लैन भी बोल सकते हैं। जो वाईफाई का आइकन है कुछ ऐसे नजर आता है, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी होता है। मोबाइल के अलावा आजकल जो स्मार्ट टीवी आए हैं उनमें भी वाईफाई होता है, डिजिटल कैमराज में भी वाईफाई होता है। वाईफाई का फायदा क्या है कि मान लो कि आपके फोन में नेट नहीं चल रहा, नेट पैक नहीं है, अब आपने किसी फ्रेंड को बोल सकते हो कि अपना हॉटस्पॉट ऑन कर, नेट ऑन कर, तो वो आपको पासवर्ड दे देगा तो आप अपने फोन पे फ्री में नेट चला सकते हो। इसी तरह अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड नेट लगा है
वाईफाई नेट लगा है तो आप शेयर करके उसको चला सकते हो। तो वाईफाई जो है ये एक वायरलेस नेटवर्क है। तो नंबर फाइव है, ए डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड ए राउटर। तो इसकी ऑप्शंस हैं स्विच, ब्रिज, हब एंड ब्राउटर। तो इसका सही आंसर है ब्राउटर। जो ब्राउटर है ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है, ये दो काम करती है। ये दो काम कौन कौन से करती है, एक राउटर का और एक ब्रिज का। जब ये राउटर का काम करती है तो तब ये क्या करेगा कि जो भी डाटा पैकेट नेटवर्क में आ रहे हैं जिनको रूट प्रोवाइड करेगा। और जब ये ब्रिज का काम करेगा तो ये क्या करेगा कि जो लैन पे ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को फिल्टर करेगा। तो डाटा पैकेट, मैंने वर्ड यूज किया, डाटा पैकेट का मतलब ये है कि नेटवर्क पे जितने भी डिवाइस जब कम्युनिकेट करती हैं तो वो डाटा को पैकेट के रूप में भेजती हैं। और पैकेट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल पार्ट, एक होता है इन्फॉर्मेशन पार्ट। कंट्रोल पार्ट में होता है सोर्स और डेस्टिनेशन, कि डाटा आया कहाँ से है और डेस्टिनेशन मतलब जाएगा कहाँ से। और इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आप पैकेट में भेज रहे हो। तो नेटवर्क पे जब भी कोई डाटा जाता है वो पैकेट के रूप में जाता है। तो नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स। फर्स्ट है यूटीपी। यूटीपी का मतलब होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर एक गाइडेड मीडिया है, गाइडेड मतलब कि एक वायर्ड मीडिया है। और अनशील्ड मतलब जिस केबल की शील्डिंग ना हुई हो, जिसके ऊपर शील्डिंग कवर ना चढ़ा हो, वो होती है अनशील्डेड केबल। और जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं जो नेटवर्क में यूज होती है। नंबर टू एफटीपी। एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें दो चीजें यूज होती हैं, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। जब हम नेट से कोई डाटा अपने लोकल कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, और अगर हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से डाटा ऑनलाइन नेट पे डालते हैं उसको बोलते हैं अपलोडिंग। मान लो व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस देख रहे हो, दैट इज डाउनलोडिंग, कि आप उसको देख रहे हो साथ साथ। और अपलोडिंग, आप अपना स्टेटस नेट पे डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, दैट इज अपलोडिंग। इसी तरह मान लो आपने, आपको व्हाट्सएप पे किसी ने को फोटो भेजी है या वीडियो भेजी है, आप डाउन एरो पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर रहे हो, और अगर किसी को वीडियो भेज रहे हो तो वो क्या है, अपलोडिंग। तो नंबर थ्री है एसएमटीपी, कि एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ईमेल भेजने और प्राप्त करने के काम आता है। ईमेल के लिए हमारे पास अलग अलग मेल्स होती हैं, जैसे आपके मोबाइल में जीमेल इनबिल्ट होती है, इसके अलावा जाहू, रेडिफ वगैरह आप यूज कर सकते हो। नंबर फोर है पीओपी, कि पीओपी का पूरा नाम क्या है। पीओपी का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल है। ये भी किस लिए यूज होता है, कि अगर हम रिमोट कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर पे मेल भेजना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। मतलब कि रिमोट कंप्यूटर कौन सा है, सर्वर, और क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा है, हमारा। कि हमें किसी ने मेल भेजी है तो हमारे ईमेल अकाउंट में आ जाएगी, मतलब हमारे रिमोट कंप्यूटर पे पड़ी है। जब हम अपना नेट कनेक्शन ऑन करेंगे तो हम उस मेल को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपने एक बार नेट चल रहा मेल देख ली है, आप ऑफलाइन मोड में भी उस मेल को दोबारा पढ़ सकते हो, वो किसके कारण, पीओपी के कारण। और नंबर फाइव है एचटीटीपी। ये एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है। एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं आप देख सकते हैं उसके लेफ्ट साइड पे HTTPS लिखा नजर आता है। आजकल HTTP वाली साइट नहीं चलती, S वाली चलती है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर सॉकेट लेयर। कि वो जो साइट्स होती हैं वो SSL से अप्रूव होती हैं, कि उसमें हैकिंग के चांस कम होते हैं। अगर आपको कोई साइट HTTP वाली मिलती है तो उसको कभी भी ओपन नहीं करना। और लास्ट नंबर सिक्स है MSC का पूरा नाम। MSC का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस भी बोला जाता है। ये जो एड्रेस है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उनका एक यूनिक और परमानेंट एड्रेस होता है। चाहे आपकी डिवाइस मोबाइल है, कोई स्मार्ट LCD है, या कोई ऐसी डिवाइस है जिसे आप नेटवर्क में लगा रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जहाँ अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हो। धन्यवाद।